कोरोना काल में गोटेगांव सहकारी विपणन सोसाइटी गरीबों के लिए सहारा बनी है। महामारी को देखते हुए यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर खाद्यान्न बांटा जा रहा है। सरकार ने जो खाद्यान्न गरीबों को आवंटित किया है उसे नियम अनुसार सभी को दिया जाता है। कोरोना काल में सहकारी विपणन संस्था बन गई है गरीबों की हमदर्द। गरीबों के राशन पर डाका की खबर तो आपने देखी होगी, लेकिन गोटेगांव की सहकारी विपणन संस्था अपने काम से सभी के लिए एक मिसाल बन गई है। महामारी के बाद गरीबों की मुश्किलें और बढ़ गई थी, जिसको दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है गोटेगांव की सहकारी विपणन संस्था ने। यहाँ पर गरीबों को उनका राशन तो बांटा ही जाता है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा पूरा ध्यान भी रखा जाता है, जिससे कोई बीमारी ना फैले। कोरोना काल में सहकारी विपणन संस्था ने गरीबों का हमदर्द बनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। गोटेगांव की सहकारी विपणन संस्था का यह काम काबिले तारीफ है। सरकारी योजनाओं को चूना लगाने की खबरें तो अक्सर आती ही रहती है, लेकिन गोटेगांव की संस्था ने बता दिया है कि आज भी सरकारी तंत्र में गरीबों के हितों का ध्यान रखने वाले मौजूद हैं जो उनका हक दिलाते हैं। गोटेगांव से पवन मिश्रा की रिपोर्ट। प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो राशन, 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल है और प्रति कार्ड 1 किलो दाल है, 1 किलो नमक दाल है निःशुल्क, बाकी का राशन शुल्क में। आपका नाम? श्रीमती ममता छेरा, सेल्समैन सीएमएस गोटेगांव।